तो नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यात्री अड्डा। और यह वीडियो खास रहने वाली है उन लोगों के लिए जो इस बार चार धाम यात्रा पर जाने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। धामों के और मंदिरों के कपाट खुल चुके हैं या अगले एक दो दिन में खुलने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी ने एक नोटिफिकेशन, एक वीडियो जारी किया है अपने सोशल हैंडल पर। जो लोग चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, उनको जाने से पहले वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देख के आगे शेयर भी करें, ताकि जो लोग चार धाम यात्रा पर जाने वाले हैं, बाकी लोग वो भी उस वीडियो से लाभ ले सकें। इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जरूर, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, क्योंकि हम भी जाने वाले हैं चार धाम की यात्रा पर। तो पूरी चार धाम यात्रा करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं डीजीपी उत्तराखंड आज आपको चार धाम यात्रा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के जो चार धाम हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये इनके खुलने का समय आ गया है। 3 तारीख को गंगोत्री और यमुनोत्री के द्वार खुल रहे हैं, 6 तारीख को केदारनाथ जी के द्वार खुल रहे हैं, 8 तारीख को बद्रीनाथ जी के द्वार खुल रहे हैं और 22 तारीख से हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस आपका इस यात्रा में स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं कुछ टिप्स या कुछ जानकारियाँ आपको आपके साथ साझा करना चाहूँगा जो आपकी यात्रा को सफल बनाने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये कि इस बार चार धाम की यात्रा के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करा सकते हैं, registration@touristcare.uk.gov.in इस लिंक पर आप जो है अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करा पाएंगे, उनके लिए जो उत्तराखंड के बॉर्डर्स हैं, जैसे नारसन है या आशारोड़ी है या कोटद्वार है, वहाँ पे भी ये रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। पर मेरा सुझाव है कि आप ऑनलाइन रजिस्टर करा लें, क्योंकि एक दिन आने वाले यात्रियों की संख्या लिमिटेड की गई है, जिससे कि आपको ऊपर जा कर के परेशानी ना हो। दूसरी एक गलत फहमी फैलाई गई है कि कोविड के लिए, कोविड के दृष्टिगत आपको RT-PCR रिपोर्ट होना जरूरी है या कि डबल वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सब हो तो अच्छा है, किंतु मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। ये आज की तारीख में जो नियम लागू हैं उत्तराखंड में, उसके हिसाब से RT-PCR रिपोर्ट का और डबल वैक्सीनेशन डोज के सर्टिफिकेट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी चेकिंग पुलिस द्वारा बॉर्डर्स पे नहीं की जाएगी। जो केदारनाथ जी की हेलीकॉप्टर बुकिंग है, वो heliservices.uk.gov.in वेबसाइट पे होती है, किंतु उसका जो चल रहा है परंपरा, वो ये है कि 70% ऑनलाइन है, 3% ऑफलाइन है, 30%। तो ऑनलाइन बुकिंग इनको खोलते ही पूरा हो जा रही है। फिर भी इसमें मेरा आपको सुझाव यह है कि जो लोग को अभी स्लॉट नहीं मिल रहा है मई जून में, क्योंकि एकदम भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग अपनी यात्रा को थोड़ा स्टैगर कर सकते हैं। अगर उनको अभी अभी स्पेस नहीं मिल रहा है, तो सितंबर अक्टूबर में भी यात्रा उसी ढंग से होती है ना। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी यात्रा को आप, ज़रूरी नहीं है कि मई जून में ही करें, उसको थोड़ा खिसका भी सकते हैं। सितंबर अक्टूबर तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। साथ ही मेरा एक सुझाव है कि ऑनलाइन बुकिंग के नाम पे होटल बुकिंग, हेलीकॉप्टर बुकिंग, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। कुछ एक फ्रॉड हमने पकड़े भी हैं, उनसे सावधान रहें। ऑथेंटिक वेबसाइट से ही, ऑथेंटिक साइट से ही अपनी जो है ऑनलाइन ख़रीदारी करें। और पहाड़ों पे यात्रा करना हमेशा एक प्रकार से टफ है, रिस्की है, इन द सेंस कि ड्राइवर को कभी कभी लंबे रास्ते हैं, नींद आ जाती है, घुमावदार सड़कें हैं, और जो है इसलिए मेरी आपसे एक अपील है कि थोड़ा स्लो चलें, थोड़ा समझदारी से चलें, सावधानी से चलें, और ड्राइवर को ब्रेक दे के चलें। हर 2 से 3 घंटे में उसको एक ब्रेक जरूर देना चाहिए, नहीं तो उसकी जो है गर्दन जो है स्टिफ हो जाती है, और इसलिए वो कभी कभी ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता है।
ट्रैफिक के दृष्टिगत एक बड़ी रेस्ट्रिक्शन हिल्स में लगाई जाती है, वो ये है कि रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक जो है वाहनों का चलना अलाउड नहीं है। तो इसलिए अपना प्लान जहाँ भी आपको पहुँचना है उस रात, मान लिया किसी को जोशीमठ पहुँचना है, किसी को चोपता पहुँचना है, पीपलकोट, जहाँ भी पहुँचना है वहाँ 10 बजे से पहले पहले पहुँचें, ये सुनिश्चित करें, क्योंकि 10 बजे के बाद फिर आपको जाना अलाउड नहीं होगा। आपको पूरे रास्ते भर हमारे उत्तराखंड पुलिस का सहयोग मिलेगा, हमारे जो है पुलिस के जवान मिलेंगे, कहीं टूरिस्ट पुलिस केंद्र मिलेंगे, कहीं ट्रैफिक पुलिस मिलेगी, कहीं एसडीआरएफ मिलेगी, सब तरह से आपको सहयोग उत्तराखंड पुलिस द्वारा किया जाएगा।